चलो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए। दो हाथों को जोड़कर मस्तक झुकाकर पूज्य गुरु भगवान के स्वमुख से मंगलाचरण मंगल पाठ का श्रवण करें। नमो अरिहंतानं नमो सीतानं नमो वज्रायानं नमो लोये सर्वसाहूणं ईशपञ्चनमकारो सर्वभावप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेशिं परमं हवैमङ्गलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्य भद्राध्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत वसे लब्धि कणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दाता ज्ञान दान क्रियाशील तपस आगे सुप्रलेखा भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा जिया जिया सदा जिया प्रेम सूरी महामना सौम्य मूर्ति दया पूर्णो जय नाचार्यो वर प्रद। एक बार विश्व विजेता बनने निकला सम्राट सिकंदर भारत के अलग अलग छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण करते हुए आगे बढ़ रहा था। अलग अलग नगरियों को काबू करने की वो कोशिश कर रहा था और ऐसे में एक दिन वो एक ऐसे गांव में पहुंचा, ऐसे नगर में पहुंचा जो नगर में मात्र स्त्रियां रहती थी, कोई पुरुष वहां पे नहीं थे। जितने भी पुरुष थे ये सिकंदर का नाम सुनकर के भाग गए थे। नगरी में मात्र महिलाएं बची हुई थी, स्त्री बची हुई थी, मात्र लेडीज वर्ग बचा हुआ था और कोई नगरी में था नहीं। सिकंदर नगर में पहुंचा, पहुंचकर उसने देखा ये क्या, नगर में जितने भी हैं सब लेडीज है, सब महिलाएं हैं, सब माताएं बहनें हैं, पुरुष तो कोई दिख ही नहीं रहा है। उसको राजमहल में ले जाया गया, राजमहल में बिठाया गया और जैसे वो राजमहल में बैठा जाकर के उसने आदेश किया, मैं बहुत लंबी यात्रा से आ रहा हूं, ढंग का भोजन मुझे मिला नहीं पिछले कई दिनों से, मैं चाहता हूं कि मेरे लिए बढ़िया भोजन तैयार करवाया जाए। ये सिकंदर था, विश्व का सम्राट था, विश्व को जीतने के लिए निकला हुआ था, जगह जगह फतेह हासिल करते करते आगे बढ़ रहा था। और जब भोजन की डिमांड करी गई, भोजन मांगा गया, तब दो महिलाएं उनके सामने थाल लेकर के आती है। थाल के ऊपर लाल कलर का कपड़ा ढका हुआ था। दो महिलाएं दोनों हाथ में लेकर के सिकंदर के सामने आती है। सिकंदर का जो सेवक था उसने थाल के ऊपर का कपड़ा हटाया और कपड़ा हटाकर देखा तो पता चला अंदर रोटियां नहीं थी लेकिन सोना मोहरे थे।
सिकंदर ने कहा ये क्या, मुझे भूख लगी है, मैंने भोजन मांगा है, मुझे भोजन करना है, ये सोना मोहर मेरे क्या काम लगे। तब जो नगर की विशिष्ट महिला थी, बड़ी महिला थी, वो सिकंदर के सामने आई और आकर के सिकंदर से इतना कहा, सिकंदर आपने भोजन मांगा लेकिन हमने सोचा गेहूं की रोटी तो आपको आपके घर पर भी मिलती होगी, गेहूं की रोटी तो आपको आपके घर पर भी मिलती होगी, शायद आप सोने की रोटी खाना चाहते होगे इसीलिए यहां पर आए हो, इतने दूर सोने की रोटी आप प्राप्त करना चाहते होगे इसीलिए यहां तक पहुंचे हो। और इतिहास ये कहता है सिकंदर को जीवन में सबसे पहली बार, सबसे पहला टर्निंग पॉइंट उस दिन आया जिस दिन उसे पता चला कि चाहे कितना भाग ले, कितना दौड़ ले, आखिर खानी तो कौन सी रोटी, गेहूं। थाली सोने की कर सकते हैं, रोटी बनाने का बर्तन सोने का कर सकते हैं, लेकिन जो पेट में जाना है, जो पेट में प्रवेश करना है, वो रोटी तो सोने की नहीं बन सकती, वो रोटी गेहूं की बनेगी। और उसके बाद सिकंदर का दिमाग परिवर्तन हुआ, उसके दिमाग में विचार चेंज हुए, उसकी विचारधारा बदली और कहा जाता है वो पूरे भारत में बहुत सी जगह गया नहीं, उसके विचार में, उसके मन में एक द्वंद, एक युद्ध शुरू हो गया कि मैं इतना भागता हूँ, इतना दौड़ता हूँ, इतना इधर से उधर करता हूँ, लेकिन आखिरकार करना क्या है, खानी तो गेहूं की रोटी है, वो तो रोटी के लिए मैं कितना भागूंगा, कितने लोगों को दुख दूंगा, कितने लोगों को परेशान करूंगा, कितने लोगों को कष्ट दूंगा। और करीबन करीबन वो पूरा भारत परिभ्रमण उसने किया नहीं और वो वापस चला गया। हमारे लिए भी यही बात, हमारे जीवन के भी लिए यही बात बड़ा मायने रखती है। हम जीवन में कितना भाग ले, कितना दौड़ दे, कितनी दौड़ लगा ले, कितनी हम स्पर्धा में चले जाए, कितना कंपटीशन और हम कंप्लेन में हमारा जीवन आगे बढ़ा दे, लेकिन एक चीज समझ लेना, चाहे कुछ भी कर ले लेकिन अंत में खानी तो कौन सी रोटी। चाहे 5 करोड़, चाहे 10 करोड़, चाहे 25 करोड़, चाहे 50 करोड़, चाहे 100 करोड़, चाहे 500 करोड़ और चाहे 1000 करोड़ और चाहे 1000 करोड़ रुपए हो जाए, लेकिन पेट में जानी तो वही गेहूं की रोटी है। हम किसके लिए इतना दौड़े, किसके लिए इतना भागे, किसके लिए हमारे जीवन को खत्म करने की ओर निकल पड़े हैं, किसके लिए हम हमारे जीवन को बर्बाद करने की ओर निकल पड़े हैं। इसलिए शास्त्रकार भगवान उमास्वाति जी महाराज प्रसन्नति ग्रंथ के माध्यम से कई एंगल से हमें अलग अलग चीजें बताते जा रहे हैं, कई एंगल से हमारे सामने की चीजें रखते जा रहे हैं कि जीवन में वैराग्य बड़ा जरूरी है। और अब बात शुरू करते हैं राग की। कहते हैं कि हम कहते हैं कि राग को छोड़ना है, लेकिन राग को छोड़ने से पहले राग को समझना पड़ेगा। जब तक हमें पता नहीं कि राग क्या है तब तक छोड़ेंगे क्या। राग 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 हम सुनते आते जा रहे हैं, लेकिन जब तक हम यह नहीं जानते कि ओरिजिनल राग क्या है, राग किसको कहा जाता है, शास्त्रकार भगवंत ने राग किसको कहा है, वो जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे क्या। और इसीलिए श्लोक 18वें श्लोक में उमास्वाति जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात लिखी। उन्होंने कहा कि राग के 8 प्रकार हो, कितने प्रकार 8। उमास्वाति जी महाराज कहते हैं राग के 8 प्रकार होते हैं और वो 8 प्रकार 8 अलग अलग टाइप के राग हमारे जीवन में है, और वो 8 टाइप के राग यदि हम समझ ले तो जीवन हमारा राग मुक्त हो सकता है। राग और द्वेष से मुक्त होना ही हमारे धर्म की फलश्रुति है, और राग और द्वेष को कम कर देना ही हमारे जीवन की फलश्रुति है। इसलिए राग के प्रकार बताए, पहला प्रकार बताया, पहला टाइप बताया, कहते हैं नंबर 1 इच्छा। कहते हैं राग का मूल इच्छा है, सबसे पहले भीतर में इच्छा प्रकट होती है, मुझे यह चीज प्राप्त करनी है, मुझे यह चीज हासिल करनी है, मुझे यह चीज को पाना है, यह इच्छा भीतर में प्रकट होती है। और इसीलिए कहते हैं राग का पहला प्रकार उसको इच्छा बताया। और शास्त्रकार भगवंत ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि जीवन में आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, आपके जीवन में जितनी भी समस्या है, सभी समस्या का यदि कोई मूल है तो वो इच्छा है। आप भागते तभी हो जब आपके भीतर एक इच्छा प्रकट होती है, आप दौड़ते तभी हो जब आपके भीतर में एक इच्छा का प्रकटीकरण होता है, आपको भागने का मन तभी होता है जब आपके भीतर में एक इच्छा पनपती है, वो इच्छा धीरे 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 वो आकार ले लेती है, इच्छा धीरे 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 बड़ी हो जाती है, और वही इच्छा के लिए हम भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। ये हमारा मन है, हमें भगाता है कौन,
आपको कौन भगाता है? कौन भगाता है आपको? भगाता कौन है? आप घर पे बैठे थे शांति से, यहां तक आपको किसने भगाया? किसने भगाया? किसने भगाया? मन ने। हमको हमारे जीवन में भगाने का काम मात्र और मात्र मन कर सकता है। कोई हमारा मन बना सकता है, कोई हमारे मन से हमें उकसा सकता है, कोई हमारे मन को प्रेरित कर सकता है, लेकिन भगाने की ताकत मात्र और मात्र किसके पास है? किसके पास है? मन के पास। आपको जीवन में भगाने का काम आपके मन के अलावा कोई नहीं कर सकता। कोई आपका मन बनवा सकता है, कोई बना सकता है, कोई मन को प्रेरणा कर सकता है, लेकिन जब तक भीतर से मन का ऑर्डर नहीं होगा तब तक आपका शरीर एक भी काम नहीं करेगा। हम शायद यह समझते हैं कि हमारा शरीर ये शरीर काम करता है। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि नहीं, जब तक मन का ऑर्डर नहीं होता तब तक शरीर को करने का मन नहीं होता। मन ही हमें भगाता है, मन ही हमें दौड़ाता है, मन ही हमें भागने के लिए प्रेरित करता है, मन ही हमें भागने के लिए उकसाता है। आप शांति से घर में बैठे थे, लेकिन जैसे घड़ी में 9 बजे आपके मन ने कहा चलो प्रवचन में जाना है। मन आपको करता है, जीवन में हमें हर चीज के लिए प्रेरित करता है तो मन करता है। या शांति से बैठे होगे, लेकिन जैसे घड़ी में आपको दिखाई पड़ेगा कि 10 बज गए, मन कहेगा चलो अब यहां से वापस जाना है, या जो भी कार्य है उसके कार्य के लिए जाना है। मन आपको भगाता है, और मन में जब इच्छा प्रकट हो जाती है तो मन इच्छा के पीछे भागता है। जो इच्छा मन कर लेता है उसके पीछे व्यक्ति को भगाते रहता है। मैंने कई बार कहा है कि ये जीवन, ये मन बड़ा गजब का है। पहले आपके मन में एक इच्छा प्रकट करेगा, आदमी उसके पीछे भागता रहेगा, पता नहीं कब तक, कहां तक, कितनी देर तक भागता रहेगा, जब तक वो अचीवमेंट उसको ना हो जाए, जब तक वो लक्ष्य की प्राप्ति वो ना कर ले, जब तक वहां पहुंच ना जाए, तब तक उसको मन भगाता रहेगा, भगाता रहेगा, भगाता रहेगा। और जब पहुंचने आ जाएगा, पहुंचने की तैयारी होगी, जैसे कि आपके मन में एक विचार आ गया कि मुझे मेरे जीवन में 100 करोड़ रुपए प्राप्त करने हैं। संपत्ति का उदाहरण इसलिए आपको देता हूं कि आपको जल्दी समझ में आ जाए, बाकी सब आपको वो देरी से समझता है। आपके मन ने विचार कर लिया, आपके मन में इच्छा प्रकट हो गई, किसी करोड़पति को देखकर, किसी 100 करोड़ रुपए के मालिक को देखकर आपके मन में इच्छा प्रकटीकरण हो गया, इच्छा का कि मुझे 100 करोड़ रुपए हासिल करने हैं। मन आपको भगाएगा, भगाता रहेगा, भगाता रहेगा। कब तक भगाता रहेगा? जब तक 100 करोड़ रुपए नहीं मिल जाए तब तक भगाता रहेगा। और जिस दिन 100 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे, मन दूसरी इच्छा प्रकट कर देगा कि अब 100 से क्या होना है, 100 से तो कुछ नहीं होना है, अब तो 1000 तक पहुंचना है। मन का काम ही है, आपके आपके जीवन में इच्छा को प्रकट करता रहेगा, और वही इच्छा के पीछे आप भागते रहोगे, और ऐसे ही जीवन खत्म हो जाएगा। और इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि हमें भागना नहीं है, हमें जागना है। मैंने कहा था ना, दिल्ली राउंड है, गोल है। जब तक समझ के बाहर नहीं निकले तब तक आप बाहर नहीं निकल सकते। घूमते ही रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते ही रहोगे। हमें समझ के टर्न लेना पड़ेगा, हमें समझ के बाहर निकलना पड़ेगा, हमें समझ के हमारे जीवन का यू टर्न लेना पड़ेगा, तभी जीवन को कुछ प्राप्त कर पाएंगे, तभी जीवन में कुछ हासिल कर पाएंगे, तभी जीवन में कहीं तक पहुंच पाएंगे। इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं राग के कितने प्रकार, कितने प्रकार? 8। और 8 में पहला प्रकार है इच्छा। जिसकी इच्छा कम हो जाती है उसका राग ऑटोमेटिक कम, जिसकी इच्छाएं कम हो जाती है उसका राग ऑटोमेटिक कम हो जाता है, और जिसकी इच्छाएं बढ़ती जाती है उसका राग बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। इसीलिए कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात लिखी है। कलिकाल सर्वज्ञ जी लिखते हैं इच्छाओं आगासम, कहते हो इच्छा कितनी है, इच्छा कितनी है, कहते आकाश जितनी है। आकाश का कोई अंत नहीं है। अब दिल्ली में हो तो भी आकाश आपको दिखाई पड़ता है, बंबई चले जाओ तो भी आकाश दिखाई पड़ता है, अहमदाबाद चले जाओ तो भी आकाश दिखाई पड़ता है, अरे विश्व के कोई भी कोने में चले जाओ आकाश आपको दिखाई पड़ता है। इसी तरह से कलिकाल सर्वज्ञ जी ने लिखा इच्छाओं आकाशम, हमारी इच्छाएं कितनी है, आकाश जितनी है, उसका कोई अंत नहीं है। हमारे जीवन का अंत हो जाता है लेकिन इच्छाएं खत्म नहीं होती। मरते आदमी की भी कई इच्छाएं होती है, खुद तो जीवन भर भागते रहता है, मरते मरते बेटे को भी काम पे लगा कर जाता है कि मेरी ये इच्छा तू परिपूर्ण करना, बेटा भागते रहता है, यही परंपरा हमारे यहाँ चलती रहती है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, शास्त्रकार भगवान कहते हैं, उमा स्वाती जी महाराज कहते हैं कि राग का पहला पर्याय है इच्छा।
इच्छा पे जितना कंट्रोल करेंगे, इच्छा जितनी कम पैदा करेंगे, इच्छा का प्रकटीकरण जितना कम करेंगे, उतना राग हमारे लिए दूर रहेगा और हमें समझकर बाहर निकलना पड़ेगा। बाकी इच्छा की दुनिया इतनी बड़ी है, इच्छा की दुनिया इतनी विशाल है, अरे महीने बीत जाए, साल बीत जाए, दशक के दशक बीत जाए, लेकिन फिर भी हमारी इच्छाएं परिपूर्ण नहीं होती। जीवन के अंतिम सांस तक हम इच्छा करते रहते हैं। ऋषि शास्त्रकार भगवान ने कहा कि समझ लेना, आपके जीवन की सभी समस्या का मूल यदि कोई है तो वो आपकी जितनी भी समस्या आज आपके जीवन में है, आप जितनी भी समस्या का फेस कर रहे हो, आप कभी बैठकर सोचो तो सही कि यदि मुझे कोई इच्छा ना हो तो जीवन कितना सरलता से चले, और हो तो लिमिटेड। देखो, बिना इच्छा के आज हमारा जीवन बड़ा नामुमकिन है। जिस युग में हम जी रहे हैं, जिस दौर से हम चल रहे हैं, जिस स्पर्धात्मक युग में हम आगे बढ़ रहे हैं, इच्छा हो तो भी लिमिटेड हो। जब इच्छा अनलिमिटेड हो जाती है, इच्छा जब आकाश जितनी हो जाती है, हमारी पहुंच से बाहर की जब इच्छा करने लग जाते हैं, हमारी औकात से बाहर जब हम सोचने लग जाते हैं, तब जीवन बड़ा मुश्किल में आ जाता है, जीवन बड़ा क्राइसिस में आ जाता है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं राग का पहला पर्याय है इच्छा। इच्छा जब तक कम नहीं होगी तब तक राग कम नहीं होगा। इच्छा को कम करना होगा तभी हमारे जीवन में राग कम होता है। दूसरी बात बताई, दूसरा शब्द दिया है मूर्छा। पहला शब्द याद रखना है आपको, राग के 8 पर्याय याद होने चाहिए जीवन में, हर दिन हर समय आपको याद आना चाहिए। ये इच्छा हुई मेरा राग का बंद होगा, ये मूर्छा हुई मेरे राग का बंद होगा, 8 नाम हमें कंठस्थ होने चाहिए, मुंह जुबानी याद होने चाहिए। पहला पर्याय है इच्छा, दूसरा पर्याय है मूर्छा। कहते इच्छा से भी खतरनाक, इच्छा तो आकाश जितनी है, लेकिन शास्त्रकार भगवान ने कहा जब तक चीज प्राप्त नहीं हुई तब तक उसकी इच्छा, और जब चीज प्राप्त हो जाए तो उसकी मूर्छा। मूर्छा यानी बेसिकली देखो ये शास्त्रीय शब्द है, मूर्छा का मूर्छा और मूर्छा का सामान्य से सामान्य अर्थ आपको बताऊं, चीज के प्रति जो आपका लगाव होता है उसको मूर्छा कहा जाता है। समझो आपके पास कोई बढ़िया अच्छा सा मोबाइल है और वो मोबाइल के प्रति जो आपका लगाव है उसको मूर्छा कहा। आपके पास कोई सोने चांदी के गहने हैं, हीरा जवाहरात के गहने आपके पास, वो हीरा जवाहरात के गहने के प्रति आपका जो लगाव होता है उसको मूर्छा कहा जाता है। आपके पास कोई बढ़िया सा घर है, वो घर के प्रति जो आपका लगाव होता है उसको मूर्छा कहा जाता है। आपके पास कोई बढ़िया सी गाड़ी है, वो गाड़ी के प्रति आपका जो लगाव होता है उसको मूर्छा कहा जाता है। इसीलिए शास्त्रकार भगवान ने कहा कि दूसरा पर्याय है मूर्छा। जब तक चीज प्राप्त ना हो तब तक इच्छा, और प्राप्त हो जाए उसके बाद में मूर्छा। कैसी परेशानी, कैसी विडंबना हमारे जीवन में है। चीज प्राप्त ना हो तो भी दुखी, और प्राप्त हो जाए तो भी दुखी। बेटा ना हो तब तक दर दर भटकते हैं, दर दर जाते हैं, ऐसा कुछ हो जाए, मुझे बेटा नहीं है, बेटा हो जाए। अब बेटा होने के बाद ऐसी परेशानी है जीवन में खड़ी होती है कि फिर भी हम दुखी रहते हैं। भोजन ना मिले तो भी दुखी, और भोजन ज्यादा कर ले तो भी दुखी। कैसी हमारी विटंबना है, कैसी हमारी करुणांतिका हमारे जीवन में हमें दिखाई पड़ती है। इसीलिए उमा स्वाति जी महाराज ने कहा कि समझ लेना, पहला पर्याय इच्छा, इच्छा भी आपको परेशान करती है तो मूर्छा भी आपको परेशान करती है। और सच कहना, हम दुखी इसलिए होते हैं कि उस चीज के प्रति हमारा इतना लगाव होता है, इतना गहन राग उसके प्रति हम कर लेते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। और उमा स्वाति जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि समझ लेना, मूर्छा जिसके जीवन में है वो व्यक्ति कैसा बन जाता है। कहते हैं कि वो व्यक्ति बेहोश बन जाता है। बेहोश व्यक्ति को कुछ पता नहीं होता आस पास में क्या चल रहा है, अड़ोस पड़ोस में क्या चल रहा है, संसार में क्या चल रहा है, मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है, उसको कुछ पता नहीं होता है। वो बेहोशी की गलता में खोया हुआ होता है, उसको कुछ मालूम नहीं होता है। शास्त्रकार भगवान कहते हैं इसी तरह से कि जिसके जीवन में मूर्छा है वो भी कुछ जान नहीं पाता, उसके पीछे पागल बनता रहेगा, उसके पीछे भागता रहेगा, उसके पीछे दौड़ता रहेगा, उसके नुकसान क्या है, उसके क्राइसिस क्या है, उसकी तकलीफें क्या है, उसकी मुसीबतें क्या है, समाज में क्या असर होती है, संसार में क्या असर होती है, मेरे जीवन में क्या असर होती है, कुछ देखने को वो तैयार नहीं है। बस पागलों की तरफ भागते रहेगा। इसीलिए शास्त्रकार भगवान ने कहा कि इच्छा भी खतरनाक है तो मूर्छा भी खतरनाक है।
मूर्छा भी तो हमें परेशान करती है। बेहोश व्यक्ति के जैसा हमारा जीवन होता है और विषयों में ऐसे लीन बन जाते हैं। मूर्छाशील व्यक्ति जो होता है, मूर्छा से युक्त जो व्यक्ति होता है, वो संसार के विषयों में ऐसे 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 डूब जाता है, संसार के विषयों में ऐसे रम जाता है, संसार के विषयों में ऐसे लीन हो जाता है, उसे आसपास का कुछ पता नहीं है। अरे अपने भीतर में आत्मा रहा हुआ है उसका भी उसको पता। मैं कई बार पूछता हूं, हमारे जीवन में, हमारे जीवन के दौरान कितने कम दिन ऐसे होते जहां हमें आत्मा की याद आती है। ठीक है, प्रवचन में आ गए, महाराज साहब की प्रेरणा है, सुन लिया तो याद आ जाती है। कभी कुछ वांचन कर रहे हैं, कभी अंदर भीतर से ख्याल आ गया, विचार आ गया, सुन लिया तो हो जाती है। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि हमारे मन में, हमारे भीतर में अपने आप से कभी आत्मा याद नहीं आती। हम यही शरीर के पीछे, यही मन के पीछे, यही साधन के पीछे, यही सामग्री के पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, लेकिन हमारे भीतर में एक बार भी आत्मा हमें याद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि संसार में करीबन करीबन जितने भी जीव है सभी मूर्छा से युक्त है। जब तक आप मूर्छा में डूबे हुए हो तब तक आपको आत्मा की याद नहीं है। बेहोश व्यक्ति को कुछ याद नहीं आता। जब तक हम मूर्छा में डूबे हुए हैं तब तक हमें आत्मा की याद नहीं आएगी। और जिस दिन मूर्छा से बाहर निकल जाते हैं, जितने साधु बन जाते हैं, संत बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, वो सभी मूर्छा से बाहर निकल गए, वो सभी मूर्छा से उभर गए, सभी मूर्छा से बाहर निकल के आ गए। उनको पता चल गया कि विषयों में कुछ नहीं लेना है। हम देखते हैं आज के समय में हजारों करोड़ की संपत्ति को छोड़कर लोग संयम की राह पर चल देते हैं, साधन सामग्री को छोड़कर लोग संयम की राह पर चल देते हैं, लोग साधु बन जाते हैं, लोग न्यासी बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उनका भीतर जाग जाता है, वो समझ जाते हैं कि मूर्छा में कुछ नहीं लेना है। अरे मूर्छा में रहेंगे तो जीवन ऐसे ही चलता है, वही साधन के पीछे, वही सामग्रियों के पीछे, वही सब चीजों के पीछे भागने का मन होगा। लेकिन मैंने कहा ना, हमें जीवन में भागना नहीं है, पर हमें जीवन में जागना है। और जागने के लिए ही उमा स्वाति जी महाराज हमें अलग अलग एंगल से बता रहे हैं। पहला पर्याय इच्छा, दूसरा पर्याय मूर्छा, और तीसरी बात करते हैं, तीसरा पर्याय है कामना। यहां इच्छा और कामना को अलग अलग किया है। जो सामान्य से होती है उसको इच्छा कहा जाता है, और जो गाढ़ भावों के साथ होती है, प्रगाढ़ भावों के साथ होती है, इष्ट को प्राप्त करने की एक लालसा सी बन जाती है, हम उसके पीछे पागल से बन जाते हैं, उसको शास्त्रकार भगवान ने कामना कहा। जो सामान्य इच्छा है तो कई होती है। अब सुबह से शाम तक यदि कागज और पेन लेकर के सुबह से शाम तक हमारे पास में रखे और हम लिखते जाए, जो भी इच्छा होगी उसको लिखते जाए, लिखते जाए, लिखते जाए, तो हमें पता चलेगा कि सुबह से शाम तक, मात्र सूर्योदय से सूर्यास्त तक, मात्र 12, 13, 14 घंटे में कितनी इच्छाएं हमारे भीतर में प्रकट होती है। लेकिन सभी इच्छाएं कामना का स्वरूप धारण नहीं करती। कई इच्छा ऐसी होती होगी जो एकाध बार हुई फिर दिमाग से निकल गए। आप रास्ते पे चल रहे हो, सामने से कोई महिला आ रही है, आपने उसके गले में हीरा जवाहरात का कोई हार देख लिया, इच्छा होगी। देखो मन है, सामान्य है, भागता है आप संसारी लोगों, और संसारियों को इच्छा होती रहती है, इच्छा होगी। लेकिन यदि आपकी कैपेसिटी नहीं होगी, आपके लगेगा कि मेरे बस के बाहर की बात है, वो इच्छा कहीं ना कहीं समाप्त होगी, वो कामना का स्वरूप धारण नहीं करेगी। कोई सामान्य व्यक्ति होगा और रोड पे चलती हुई मर्सिडीज गाड़ी को देखेगा, चाहे वो पता है उसको कि 20 लाख 40 लाख 50 लाख 60 लाख की है, लेकिन उसकी इच्छा तो होगी, एक समय के लिए इच्छा होगी, क्योंकि संसारी व्यक्ति है, चीजों को देखकर मन लुभाता है, मन वहां पे जाता है। लेकिन वो समझ जाएगा कि अपनी ताकत नहीं है, अपने को अपने कंट्रोल में रहना है, वो इच्छा उसकी वहीं की वहीं परिपूर्ण हो जाएगी। इच्छा कई होती, इच्छा और कामना के बीच का तफावत समझ लेना, इच्छा और कामना के बीच का डिफरेंस समझ लेना। इच्छाएं कई हो सकती है, कामनाएं बहुत कम होती है। कई लोग संसार में होते हैं, उनके जीवन में कोई चीज का जो फिक्स कर ले कि मुझे ये करना ही है, चाहे दुनिया ऊपर नीचे हो जाए, वो उसके दिमाग में वो चीज बैठ जाए कि कोई भी हालत में, हर हालत में मुझे चीज को प्राप्त करना है, उसको कामना कहा जाता है। और कामना इतनी प्रबल हो जाती है कि आदमी उसके पीछे पागल सा बन जाता है।
कामना इतनी प्रबल हो जाती है, आदमी आदमी उसके पीछे दौड़ता रहता है रात दिन सुबह शाम दोपहर 24 घंटे सातों हफ्ता के सातों दिन और साल के 365 दिन उसके दिमाग में ही विचार चलता रहेगा, ये चीज मुझे कैसे प्राप्त हो जाए, कैसे प्राप्त हो जाए, कैसे प्राप्त हो जाए, कैसे प्राप्त हो जाए। इसको उमा सती जी महाराज ने कामना कहा है और कहा कि इच्छा से भी खतरनाक यदि कोई है तो वो कामना है। इच्छा तो ठीक है आती जाती रहती है, आती है चले जाती है, आती है चले जाती है, लेकिन कामना हमें जीने नहीं देती, कामना हमें शांति से सांस लेने नहीं देती, कामना हमारे जीवन को सरलता से चलने नहीं देती। और जिस चीज की कामना हमारे जीवन में आ जाए 24/7/365 पूरे साल, पूरा महीना, पूरा हफ्ता, पूरा दिन दिमाग में वही विचार चलते रहते हैं, जब तक उसको प्राप्त न कर लूंगा तब तक मेरे दिमाग से वो जाएगा नहीं। और इसीलिए शास्त्रकार भगवंत ने कहा कि बड़ी परेशान करने वाली चीज, जितनी चीजें बढ़ाते जाएंगे उतनी तकलीफें ज्यादा होंगी, जितना राग बढ़ाते जाएंगे उतनी तकलीफें ज्यादा होनी है। संसार के लोगों से, संसार की वस्तुओं से, संसार के संबंधों से जितना अटैचमेंट बढ़ाते जाएंगे, जितना कनेक्शन बढ़ाते जाएंगे उतनी तकलीफ ज्यादा होनी है, ये समझ करके रखना। जुड़ाव में जितना आनंद है टूटने में उससे 10 गुना ज्यादा तकलीफ होती है, टूटने में उससे 10 गुना ज्यादा नुकसान होता है। संयोग का जो आनंद है लेकिन वियोग का दुख इतना भयानक होता है कि संयोग का आनंद हमारे लिए 0 हो जाता है। इसलिए शास्त्रकार भगवान है कि समझ लेना राग के 8 पर्याय यदि हम समझ ले तो हम कई मायने में बच सकते हैं। पहला पर्याय बताया, कौन सा बताया? इच्छा। दूसरा पर्याय मूर्छा और तीसरा पर्याय काम। इतने सालों पहले भी शास्त्रकार भगवंत ने कितनी गहरी बातें हमारे सामने रखी, कितना गुड़ चिंतन हमारे लिए किया है, हमारे हित की कितनी चिंता करी है, हमारे लिए कितना सोचा है कि मैं लिख करके जाऊं आने वाली पीढ़ियां 1000 साल बाद, 1200 साल बाद, 1500 साल बाद आने वाली पीढ़ी इसको पढ़ेगी, कोई उसका स्वाध्याय करेगा तो उसका जीवन भी तो बच जाएगा, उसका जीवन भी तो अच्छा हो जाएगा। यही भावना से, यही कामना से एक एक चीज हमें बताते चले गए और चौथी बात करते हैं। पहले नंबर में इच्छा, दूसरे नंबर में मूर्छा, तीसरे नंबर में कामना और चौथे नंबर में स्नेह। स्नेह जिसको हम कहते हैं राग का एक पर्याय है स्नेह, चीज के प्रति लगाव हो जाना उसको स्नेह कहा है। जिस तरह से इच्छा और कामना में डिफरेंट है, जिस तरह से इच्छा और कामना में डिफरेंट है इसी तरह से मूर्छा और स्नेह में भी डिफरेंट है। जो सामान्य हो उसको स्नेह कहा जाता है और जो बहुत गहरा हो, बहुत गाढ़ा हो, बहुत भीतर से हो उसको मूर्छा कहा, जो सामान्य से हो इसको इच्छा कहा जाता है और बहुत गहरी हो, बहुत गाढ़ी हो, बहुत भीतर से हो उसको क्या कहा? कामना कहा जाता है। इच्छा और कामना, मूर्छा और स्नेह। चौथा पर्याय बताया स्नेह। स्नेह का अर्थ संस्कृत में बड़ी अच्छी बात लिखी है, स्नेह के लिए स्नेह का अर्थ बताया गया है जो चिपका के रखे उसको स्नेह कहा जाता है, जो आपको ज्वाइंट करके रखे, जिसकी चिपकाने की ताकत है उसको स्नेह कहा जाता है। स्नेह में व्यक्ति चिपक के रहता है, कोई भी चीज के ऊपर आपको स्नेह होगा आप चाहोगे कि वो चीज हर हमेशा मेरे साथ रहे। आदमी चाहता है हर हमेशा जिसके ऊपर मुझे स्नेह है वो चीज मेरे साथ में रहे। कई लोगों की आदत होती है जहां माल सामान रखा हुआ है, जहां पैसे रखे हुए हैं वो तिजोरी की चाबी तकिए के नीचे लेकर के सो जाते हैं, या तो पहले थी या तो अभी कई लोगों की होती है। ये क्या दर्शित करता है या दिखाता है कि हमारा स्नेह बड़ा गाढ़ा है। जिस चीज के ऊपर आपको स्नेह हो जाएगा वो व्यक्ति को छोड़ने का, वो संयोग को छोड़ने का, वो वस्तु को छोड़ने का, वो परिस्थिति से बाहर निकलने का आपका मन नहीं होगा, चाहे आपका नुकसान होता हो तो भी। और इसके लिए मधुमक्खी का उदाहरण हमारे लिए बहुत बेहतर है। जब मधुमक्खी, जब भ्रमर पराग लेने के लिए जब फूलों में जाते हैं तो फूलों के साथ उनका स्नेह हो जाता है, उनको वहां आनंद लगने लगता है, उनको वहां मजा आने लगती है, उनको वहां भीतर से एक आनंद प्रकट होता है भीतर से। और वो समझ नहीं पाते कि जितने हम पराग लेते जाते हैं समय चला जाएगा, फूल बंद हो जाएगा, हम भीतर के भीतर रह जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, कुछ समझ नहीं पाता। इसी तरह से शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि स्नेह में आदमी कुछ जान नहीं पाता, कुछ समझ नहीं पाता।
वो बस डूबते चला जाता है, डूबते चला जाता है, डूबते चला जाता है, डूबते चला जाता है। और कहा कि राग हमें जिस तरह से खत्म कर देता है, आदमी के जीवन को निरर्थक कर देता है, आदमी को बेहोश बना देता है, आदमी को पागल बना देता है, आदमी को मद जैसा बना देता है, जैसे दारू पीकर के आदमी मदहोश बन जाता है, इसी तरह से राग में डूबा हुआ आदमी, राग में बहकर चल रहा आदमी मदहोश बन जाता है। इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि राग से बचना बहुत जरूरी है, और राग से बचना है तो राग को समझना पड़ेगा, और समझेंगे कैसे, उसके 8 अलग अलग पर्याय है, और जिस तरह से हम एक एक पर्याय समझते जाएंगे उस तरह से हमारे जीवन का राग कम होता जाएगा। पहला पर्याय इच्छा, दूसरा पर्याय मूर्छा, तीसरा पर्याय कामना, और चौथा पर्याय ये अध्यात्म जगत बड़ा बेहतरीन जगत है। और जिसके जीवन में, मैं कई बार कहता हूं कि जिसके जीवन में थोड़ा सा भी धर्म नहीं है, जिसके जीवन में थोड़ा सा भी अध्यात्म नहीं है, जिसके जीवन में थोड़ा सा भी अध्यात्म उसके जीवन में दिखाई नहीं पड़ता है, उसका जीवन करीबन 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 निरर्थक हो जाता है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि अध्यात्म जगत संसार के जगत से बड़ा भिन्न है। एक चीज समझ लेना, अध्यात्म जगत में, स्पिरिचुअल लाइफ में पाना कुछ नहीं है, अध्यात्म जगत में आपको पाना कुछ नहीं है, सब प्रकट करना है। देखो, पाना और प्रकट करना दोनों में बड़ा डिफरेंस है। शास्त्रकार भगवान यहां बड़ी अच्छी बात लिखते हैं कि अध्यात्म का जो जगत है वहां पे आपको पाना कुछ नहीं है, प्रकट करना है, और संसार का जो जगत है वहां पे प्रकट कुछ नहीं करना है, वहां पे सब कुछ आपको पाना है। संसार में पाना है, अध्यात्म में प्रकट करना है। बड़ी समझने वाली बात है, जब जमीन के अंदर पानी होता है उसके ऊपर से जब हम पत्थर को हटा देते हैं तो पानी भीतर से बाहर आ जाता है, इसी तरह से अध्यात्म का जगत है। जमीन में हम पानी डालने नहीं जाते, पानी को प्रकट करना है, बस पाना नहीं है, पानी को प्रकट करना है। इसी तरह से अध्यात्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के जीवन में हमें पाना कुछ नहीं है, जो करना है प्रकट करना है। सब कुछ हमारे भीतर में पड़ा है, कुछ बाहर से लाना नहीं है, कुछ बाहर से आयात नहीं करना है, कुछ बाहर से ले आकर भीतर में नहीं डालना है। सब कुछ हमारे भीतर में पड़ा है, उसको बस प्रकट करना है, उसको बस बाहर लाना है। पानी तो जमीन के अंदर पड़ा हुआ है, हमें करना क्या है, बस ऊपर का पत्थर हटाना है, पत्थर हटाते ही पानी हमारे हाथ में आ जाएगा। इसी तरह से अध्यात्म का जगत कहता है कि हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, जैसे हमारे अंतराय रूपी कर्म का जो पत्थर हट जाएगा, अपने आप पानी प्रकट हो जाएगा, अपने आप अध्यात्म के गुण हमारे जीवन में आ जाएंगे। संसार पाने की चीज है और धर्म जगत प्रकट करने की चीज। संसार में पाया जाता है, संपत्ति आपको पानी पड़ती है, नाम आपको पाना पड़ता है, क्रेडिट आपको खड़ी करनी पड़ती है, सब कुछ पाना पड़ता है। लेकिन अध्यात्म जगत कहता है कि पाने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी है, उसको खाली प्रकट करना है। और एक चीज समझ लेना, पाने में हम निष्फल हो सकते हैं लेकिन प्रकट करने में निष्फल होना नामुमकिन। पाने के लिए पुण्य चाहिए। मैं कई बार कहता हूं ना कि धर्म के जगत में पुण्य की जरूरत नहीं है, यहां पुरुषार्थ का काम है। पाने के लिए पुण्य चाहिए, आपको संपत्ति चाहिए, आपको सुविधा चाहिए, आपको साधन चाहिए, आपको सामग्री चाहिए, उसके लिए पुण्य चाहिएगा। आप चाहे मेहनत कितनी ही कर लो लेकिन मिलेगा उतना ही जितना आपका पुण्य होगा, पुण्य और पुरुषार्थ का संयोग। लेकिन वहां पुण्य प्रमुख स्थान पर है और धर्म के जगत पे पुण्य सेकंड स्टार पर है और पुरुषार्थ प्रमुख स्थान। इसीलिए कहा कि प्रकट करने में पुरुषार्थ चाहिए, पाने में पुण्य चाहिए। संसार में जो भी करना है हमें पाना है, और हमारे में जो भी है, अध्यात्म जगत में जो भी है वो प्रकट करना है। आपको पता है हमारे आत्मा में और भगवान के आत्मा में कोई डिफरेंट नहीं है। जो परमात्मा बन गए, जिनकी आत्मा परम आत्मा हो गई, हमारे आत्मा में और परमात्मा की आत्मा में कोई फर्क नहीं है। एक ही फर्क है, उनके जितने भी गुण है वो प्रकट है और हमारे जितने भी गुण है वो अप्रकट है। उनके जितने भी गुण है वो खुल गए हैं, हमारे जितने भी गुण है वो दबे हुए हैं। उनके पास भीतर का पानी है जहां पत्थर को उन्होंने हटा दिया है, हमारे पास भी भीतर का पानी है लेकिन हमने पत्थर को हटाया नहीं है। जिस दिन हमने पत्थर को हटा लिया उस दिन हम भी परमात्मा बन सकते हैं। और इसीलिए यह फिलोसॉफी विश्व में मात्र जैन धर्म के पास है और किसी के पास नहीं है। मैं आपको
कह सकता हूँ कि आप दुनिया के कोई भी धर्म की स्टडी कर लो, हमने तो पढ़ा है, हमने देखा है, हमने उन लोगों को पढ़ा हुआ है। आप दुनिया के कोई भी धर्म में चले जाओ, कोई धर्म आपको यह नहीं बताएगा कि आप भगवान बन सकते हो, सब आपको यही बताएगा आप भगवान के भक्त बन सकते हो। एक भी धर्म, चाहे दुनिया का कोई भी धर्म हो, वे आपको नहीं सिखाएगा कि आप भगवान बन सकते हो। वो कहते हैं कि आप भगवान के अच्छे से अच्छे भक्त बन सकते हो, लेकिन एक जैन धर्म ऐसा है, दुनिया का एकमात्र धर्म, जो आपको सिखाएगा कि आप भगवान भी बन सकते हो। आप आपकी आत्मा और भगवान की आत्मा में कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। जिस दिन आपके गुणों का प्रकटीकरण हो गया, आप खुद भगवान बन जाओगे। इसीलिए हम बोलते हैं अरिहंतना ध्याने अरिहंत बनी जसो जिननी भक्ति करता करता जीन बनी। अरिहंतना ध्याने अरिहंत बनी जसो, जितना उनका अरिहंत का ध्यान करते जाएंगे, हमारी ताकत है, हम अरिहंत बन सकते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि अध्यात्म का मार्ग पाने का मार्ग नहीं है, लेकिन किसका मार्ग है? प्रकट करने का। किसका मार्ग है? प्रकट करने। हमें यहाँ पाना कुछ नहीं है, जो करना है प्रकट करना है, उसको खोलना है, उसको बाहर निकालना है, बीच में जो आवरण है उसको हटाना है। आप क्या समझते, नम्रता कोई पाने की चीज है? नहीं। अभिमान कम कर दो, नम्रता अपने आप प्रकट हो जाएगी। नम्रता पाने की चीज नहीं है। आप चाहे आदमी को समझ लेना, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं किसी को नम्रता सिखाई नहीं जाती। उसके अभिमान को डाउन कर दो, ऑटोमेटिक आदमी नम्र हो जाएगा। हमारे भीतर पड़ी हुई है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, हमारे भीतर में है, उसको आयात नहीं किया जा सकता, अंदर पड़ी हुई है। बस उसका जो माइनस पॉइंट है, जो हमारा ईगो है, उसको थोड़ा शांत कर लो, नम्रता अपने आप दिखने लग जाएगी। हम क्या समझते हैं, उदारता कोई लाने की चीज है? बाहर से लाया जाता तो आज दुनिया में हर कोई उदार होता, लेकिन आदमी उदार नहीं बन पाता, क्योंकि लोभ वृत्ति इतनी ज्यादा होती है। जिस दिन लोभ वृत्ति कम हो जाएगी, उदारता अपने आप प्रकट हो जाएगी। नम्रता लाने की जरूरत नहीं है, भीतर पड़ी हुई है। उदारता लाने की जरूरत नहीं है, भीतर पड़ी हुई है। आप क्या मानते हो, शांति बाहर से लाने की जरूरत है? हम शांति के लिए उधर उधर भटकते हैं, इधर उधर जाते हैं, इधर इधर दौड़ते रहते हैं। हम क्या समझते हैं, शांति बाहर से लाने की जरूरत है? कहते हैं लाने की जरूरत नहीं है, भीतर पड़ी हुई है। मन की जो अशांति है उसको थोड़ा दूर कर दो, जो आपका क्रोध कसाय है उसको थोड़ा दूर कर दो, शांति आपको फील होने लगेगी। जब आप थोड़े शांत हो जाओगे, शांति अपने आप आपको फील होने लगेगी। आप क्या समझते हो, सरलता बाहर से लाने की जरूरत है? कहते हैं नहीं, कुटिलता थोड़ी कम कर दो, माया कपट थोड़ा कम कर दो, सरलता आपको अपने आप दिखने लग जाएगी। आप क्या समझते हो, ज्ञान बाहर से लाना है? ज्ञान बाहर से नहीं लाना है, हमें तो अज्ञानता को दूर करना है। ये अध्यात्म का जगत, प्रकट करने का जगत है, पाने का जगत नहीं है। यहाँ कुछ आप बाहर से नहीं ला सकते हो, अंदर भीतर में सब पड़ा हुआ है। आत्मा के पास हर शक्ति हर ताकत पड़ी हुई है, लेकिन हम कहाँ पर है, ये हमें बड़ी सोचने वाली बात है। सब कुछ है, बस माइनस पॉइंट जो है उसको कम करते जाओ। नम्रता बढ़ानी है, ज्ञान बढ़ाना है, उदारता बढ़ानी है, उसके सामने लोभ को कम करते जाओ। ज्ञान बढ़ाना है, अज्ञानता को कम करते जाओ। शांति बढ़ानी है, जीवन में क्रोध को कम करते जाओ। नम्रता को बढ़ाना है, जीवन में अभिमान को कम करते जाओ। जितना कम करते जाएंगे, उतनी वो चीज अपने आप हमें दिखने लग जाएगी, वो चीज अपने आप बड़ी हो जाएगी। और इसीलिए शास्त्रकार भगवत ने कहा कि अध्यात्म का जगत जो है वो पाने का जगत नहीं है, लेकिन किसका जगत है? किसका जगत है? तप करने की ताकत भी भीतर ही है, भक्ति करने की ताकत भी भीतर ही है, साधना करने की ताकत भी भीतर ही है, आराधना करने की ताकत भी भीतर ही है। सब कुछ हमारे भीतर है, बस हमें प्रकट करना है। अरे हमारा आत्मा अनंत शक्ति लेकर के बैठा है, हम कभी ऐसा ना सोचे कि हमारे पास शक्ति नहीं है। आपको पता है, जब एक छोटा मुनिराज, एक छोटा बालक जब साधु बन जाता है, चाहे 8 साल की उम्र में, चाहे 8.5 साल की उम्र में, वो हंसते मुंह बैठे बैठे पूरे सिर का केस लुंचर करवा लेता है, लोच करवा लेता है, उतनी शक्ति उसके पास आती कहां से? बाहर से थोड़ी लाई जाती है, शक्ति तो भीतर पड़ी हुई है, बस उसके गुरु वो शक्ति को प्रकट कर देते हैं। हम सोच भी नहीं सकते, हमारे मूंछ का, हमारी दाढ़ी का, हमारे माथे का एक बाल कोई खींच ले, हमारे से सहन नहीं होता। अब परशुराम महापर्व आएंगे, आप देखोगे हमारे जिन शासन के 14,000 साधु साधु जी भगवान हंसते मुंह लोच करवा लेंगे। कई लोग कई चतुर्मासों में कहते हैं महाराज साहब हमें लोच देखना है,
कहते आ जाओ, सुबह सुबह का समय होता है, 5-5:30 बजे आसपास का समय होता है, आपकी मर्जी हो तब आ जाओ, लोच होने वाला है। और मैं आपको क्या बताऊं, लोच करवाने की बात तो बहुत दूर है, लोगों को लोच देखना बड़ा कठिन हो जाता है, देख नहीं पाते कि महाराज साहब इतने कष्ट सहन कैसे कर लेते हो, हम दाढ़ी और मूछ के बाल एक खींच नहीं सकते, और आप हंसते मुंह पूरी दाढ़ी और मूछ का बाल खींच लेते हो। ये गुरुदेव बैठे ना, उनकी दाढ़ी आप देख रहे हो, लेकिन अपने हाथों से और किसी के हाथों से भी नहीं, अपने हाथों से जितने बाल है वो खींच कर निकाल लेते हैं। ये ताकत है आपके पास, भीतर में हर शक्ति पड़ी हुई है, लेकिन समझ लेना वो शक्ति को हमें प्रकट करना है, और प्रकट करने की ताकत ही तो धर्म बताता है, प्रकट करने का मार्ग ही तो गुरु बताते हैं, प्रकट करने की शक्ति ही तो गुरु हमें देते हैं, भीतर में हर कुछ पड़ा हुआ है। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, संसार का जगत पाने का जगत है, और अध्यात्म का जगत किसका जगत है, किसका जगत है, प्रकट कर, यहां हर चीज को प्रकट कर, प्रकट करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, माइनस पॉइंट जो है उसको हटाते जाएंगे, प्लस अपने आप बाहर आता जाएगा। हम कहते हैं ना कई बार कि किसी की लाइन हो, उसकी लाइन को छोटी करनी हो तो हमें उसको टच करने की जरूरत नहीं है, दूसरी लाइन बड़ी कर दो अपने आप वो छोटी हो जाएगी। बस यही रोल चलता है अध्यात्म के जगत में। आपके जीवन में जो गलतियां है, आपके जीवन में जो दुर्गुण है उसको छोटा करना है, सद्गुण को बढ़ा दो, दुर्गुण अपने आप छोटे हो जाएंगे, कहां जाएंगे। और इसलिए ये अध्यात्म जगत हमें मिला है, और अध्यात्म जगत के अंदर उमा स्वाति जी महाराज ने बात करी है राग के पर्याय। जितने राग के पर्यायों को हम समझेंगे, जितना राग के पर्याय में हम जाएंगे, जितना राग के पर्यायों में हम डूबने की कोशिश करेंगे, उतना जीवन में परेशान होना तय है। ये इच्छा, ये मूर्छा, ये हर चीज हमें परेशान करती है। और समझ लेना, बैठ कर कभी सोचेंगे तो पता चलेगा हमारे जीवन की जितनी भी समस्या है, ये राग निकल जाए तो सब समस्याएं दूर हो जाए। और कभी कभी होता ऐसा है, हमारे यहाँ सूत्र दिया गया, विगत राग यस्य स वितराग। कहा कि भगवान को वितराग क्यों कहा जाता है, हम तीर्थंकर परमात्मा को क्या कहते हैं, वितराग, क्या कहते हैं, वितराग, क्या कहते हैं, वितराग। संस्कृत का शब्द है वितराग, तो कहते हैं कि वितराग शब्द कैसे बना, विगत राग यस्य स वितराग, जिसका राग निकल गया है वो वितराग। भगवान होने के लिए और कुछ करना नहीं है, बस एक ही काम करना है, राग को निकाल देना है। लेकिन एक काम इतना कठिन है, एक काम इतना मुश्किल है, अरे हमारी छोटी सी चीज, एक हमारे घर का बर्तन हो, एक हमारे घर की थैली हो, उसका भी राग हमारा जाता है, संसार का राग कहां से जाएगा। एक छोटा सा बर्तन, एक छोटी सी थैली, हमें पता है जो नाश बनते, हम चाहे कितना संभाल ले, एक न दिन उसका नष्ट होना है, फिर भी उसका भी राग हम कम कर नहीं पाते। कब जाके जीवन में इतने सारे राग लेकर के बैठे है, कब जाके जीवन के राग कम हो गए। लेकिन समझ लेना, वितरागता का मार्ग एक ही है, राग को कम करोगे तभी हम वितराग बन पाएंगे, राग को कम करोगे। अरे मैं कहता हूँ वितराग बनने की बात दूर है, लेकिन ये जीवन आपका जो जीवन चल रहा है, वो जीवन भी आप चाहते हो शांति से बीते, जितना राग कम उतनी शांति ज्यादा, जितना अटैचमेंट कम उतना दुख ज्यादा, जितना हम डिटेच होते जाएंगे उतना बड़ी आसानी से संसार चलता रहेगा। पूर्व भव पर भव की बात जाने दो, लेकिन ये भव में भी हमें शांति से जीना है, हमारे राग को लिमिटेड करना पड़ेगा। हम साधु, आप लोग साधु नहीं हो, आप संसारी हो, आपको कहीं ना कहीं राग रहेगा, लेकिन हर छोटी चीज में, हर छोटी वस्तुओं में, हर छोटे संयोगों में, हर छोटी परिस्थितियों में यदि हम अटैच करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जीवन में कोशिश करना अटैचमेंट हमारा थोड़ा कम, थोड़े कम अटैचमेंट के साथ हम चलते रहे, जितना अटैचमेंट कम होगा, ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन कम हो ऐसा जरूर हो सकता है। और शास्त्रकार भगवंतों ने बड़ी अच्छी बात बताई है, कहा है कि राग के मुख्य दो प्रकार है, एक प्रशस्त राग और एक अप्रशस्त राग। किसने प्रश्न कर लिया कि महाराज साहब अब हम राग में इतने डूबे हुए कि निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हमारा मोह इतना है संसार की चीजों के प्रति, इतनी आसक्ति हमारी है, निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहा कि राग के दो प्रकार है, एक प्रशस्त और एक अप्रशस्त। प्रशस्त यानी कल्याणकारी, और अप्रशस्त माने अकल्याणकारी, नुकसान करने वाला। तो कहते हैं कि तू एक काम ये कर सकता है कि जो अप्रशस्त के ऊपर राग है, राग करने की तेरी आदत है, राग करने की आदत छूटेगी नहीं, तो अप्रशस्त के ऊपर जो तेरा राग है उसको डाइवर्ट करके प्रशस्त के ऊपर लेके आ।
जो संसार के चीजों के प्रति तो तेरा राग है, उसको डाइवर्ट करके कहीं परमात्मा के प्रति, कहीं धर्म के प्रति, कहीं गुरु के प्रति तेरा राग को डाइवर्ट कर ले तो भी तू बच जाएगा। वो भी तो कहीं ना कहीं नुकसानकारक है, क्योंकि राग शब्द ही नुकसानकारक। हम परमात्मा महावीर के जीवन चरित्र को जानते हैं, उनके प्रथम शिष्य गौतम स्वामी, उनको परमात्मा के ऊपर राग था, लेकिन फिर भी उनका केवल ज्ञान हुआ या नहीं हुआ? हुआ। राग था फिर भी हुआ? नहीं हुआ। जब तक भीतर में राग था तब तक नहीं हुआ। राग जब निकल गया पश्चाताप हुआ कि परमात्मा आप तो अकेले चले गए, मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। जब वो भावना मन में प्रकटित हुई तब जाके केवल ज्ञान हुआ। राग है तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको तार नहीं सकती। जब तक राग निकालोगे तभी आप तिर सकते हो। लेकिन ये बड़ी ऊपर की बात है, ऊपर के लेवल की बात है। हमारे लिए क्या हो सकता है? हमारे लिए ये हो सकता है, अप्रशस्त राग को थोड़ा कम करे, प्रशस्त राग को थोड़ा बढ़ाए। देव गुरु और धर्म के प्रति हमारा जो प्रेम है उसको थोड़ा इंक्रीज करें, उसको थोड़ा बढ़ाए, और संसार की चीज़ों के प्रति हमारी जो आसक्ति है उसको थोड़ा कम कर सके। आज के टाइम में हम प्रैक्टिकल रूप से ये कर सकते हैं। मैं आपको बोलूँ, आप संसार के सभी चीज़ों का राग मोह छोड़ दो, आप कहोगे भाला साहब आपको कहना है, लेकिन हमारे लिए इम्पॉसिबल। ये आज के समय में जो कंडीशन में हम जो है, जो लेवल में हम जी रहे हैं, आज के कंडीशन में इम्पॉसिबल है। लेकिन ये निश्चित तौर पर हो सकता है, हमारे राग को थोड़ा सीमित कर दे, हमारे राग को थोड़ा कम कर दे, हमारी इच्छाओं को थोड़ा कम कर दे, हमारी मूर्छा को थोड़ा कम करे, हमारी कामनाओं को थोड़ा लिमिटेशन में लाए, हमारा जो स्नेह है उसको थोड़ा डाइवर्ट करके, अप्रशस्त राग को थोड़ा कम करके प्रशस्त राग की ओर ले जाए। संसार की चीजों के प्रति आसक्ति कम करते हुए धर्म के प्रति हमारी आसक्ति थोड़ी बढ़ाए, धर्म के प्रति हमारा राग थोड़ा बढ़ाए, धर्म के प्रति हमारा प्रेम थोड़ा बढ़ाए, धर्म के प्रति हमारा स्नेह थोड़ा बढ़ाए, तो कम से कम प्रशस्त राग हमें तारने का काम तो करेगा। आगे जाते जाते जैसे जैसे हमारे गुण स्थानक बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम अपग्रेड होते जाएंगे, जैसे जैसे हम अपडेट होते जाएंगे, वैसे वैसे अंत में प्रशस्त राग भी तो छोड़ना है। लेकिन अभी हम बाल मंदिर में है, अभी हम कक्षा एक में है, और यहाँ पे हमारे लिए एक ही ऑप्शन है, अप्रशस्त राग को कम करें। जो संसार की चीजों के प्रति हमारा मोह, हमारी आसक्ति है, उसको कम करें, और धर्म के प्रति हमारे थोड़ा स्नेह, थोड़े प्रेम, थोड़ी लागणी को बढ़ाए, तो जीवन हमारा राग से थोड़ा मंद हो सकता है। और मैंने पहले ही कह दिया, जीवन में शांति चाहिए तो राग को थोड़ा कम करना पड़ेगा, द्वेष को थोड़ा घटाना पड़ेगा, दूसरों के प्रति जो द्वेष की भावना है उसको भी कम करना पड़ेगा, और मोह की भावना को भी कम करना पड़ेगा। तो जीवन में कोशिश करें हमारा राग थोड़ा मंद हो, जीवन में कोशिश करें हमारा राग थोड़ा कम हो, जीवन में कोशिश करें हमारे राग को थोड़ा अल्प करते हुए संसार सागर को पार पा पाए। और बाकी के जो चार पर्याय है उसकी बात हम कल करेंगे, लेकिन आज के चार पर्याय, पहला पर्याय इच्छा, दूसरा पर्याय मूर्छा, तीसरा पर्याय कामना, और चौथा पर्याय स्नेह। बाकी के चार की बात कल हम करेंगे। सामूहिक संतिकर्म तप की आराधना के अंतर्गत अनेक तपस्वी यह तप आराधना करते हुए एक एक गाथा की आराधना करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आज तपस्वियों के ब्याचना है। सभी तपस्वी सुखसाता में हो गए, खूब आनंद पूर्वक गुरुदेव के आशीर्वाद पूर्वक और गुरुदेव के पचकान पूर्वक आपकी आराधना सुंदर रूप से चल रही है। बस इसी तरह से आराधना में आगे बढ़ते रहे, इसी तरह से आराधना में उज्ज्वल बढ़ते रहे और खुद के जीवन को सफल बनाते रहे। यही आज के दिन परमपिता परमात्मा से मंगलमय प्रार्थना। बोलो कल्याण पार्श्वनाथ भगवान की। बोलो परम पूज्य तपाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद विजय प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहेब की। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय कुलचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब की। कल गुरुदेव ने अपने स्वमुख से उद्धान तप का मुहूर्त अर्पण किया है, और कल से ही फॉर्म देने शुरू कर दिए है। जिस किसी की भावना हो, भावना बन रही हो, मन को थोड़ा मक्कम बनाना, मन को थोड़ा मजबूत बनाना कि हमारे गृह आंगन पर, हमारे घर पर, हमारे श्री संघ के तत्वावधान में ऐसे सुंदर जब उद्धान तप की आराधना होने जा रही है तो उसमें जुड़ना हमारा कर्तव्य है। ऐसा अवसर फिर मिले ना मिले, लेकिन निश्चित तौर पर ये गोल्डन चांस जो हमें प्राप्त हो रहा है, लाभार्थी परिवार कीर्ति भाई वाड़ीलाल गांधी परिवार ने जो सुंदर लाभ लिया है,
और उनको भी एक उत्साह बढ़े कि हमारे संघ से इतने सारे लोग जुड़े हैं। देखो भारत भर में से 500 लोग आ जाएंगे तो जितना आनंद नहीं होगा, जितने अपने संघ से जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे वो लाभार्थी परिवार को आनंद होगा कि चलो हमारे घर के, क्योंकि इतने सालों से आप साथ में रह रहे हो, एक दूसरे को जानते हो, तो उनको भी आनंद होता है कि पूरा मेरा परिवार है, गुजरात अपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं मेरा परिवार है और यहाँ से जितने ज़्यादा जुड़ेंगे उतना मेरे लिए ज़्यादा आनंद होगा। तो इनकी भी ये भावना है, गुरुदेव की भी ये भावना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर वाले तो जुड़ेंगे। कई फॉर्म कल कई लोगों ने फॉर्म लिए हैं और कई लोग आएंगे। ये जिन शासन का कार्य है कोई अधूरा नहीं रहने वाला हमारे बिना, लेकिन हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि ऐसे हमारे घर के लाभार्थी परिवार जब इतना सुंदर लाभ ले रहे हो, हमारे घर आंगन पर जब उपधान तब की आराधना हो रही हो, तो निश्चित तौर पर हमें जुड़ना चाहिए। तो जैसे भी अनुकूलता हो गुरु भगवान के हाथ से फॉर्म प्राप्त कर ले। 12 दिसंबर को प्रथम प्रवेश, 14 दिसंबर को दूसरा प्रवेश, 29 जनवरी 2022 को चढ़ावे और रथ यात्रा, और 30 जनवरी 2022 को मालारोपण, इस तरह का पूरा आयोजन है। तो सभी आप जरूर उसमें जुड़े। यहाँ से करीब महाविदेह क्षेत्र में जेवरा मोड़ जो महाविदेह क्षेत्र है वहीं पर ये आराधना होनी है, तब आराधना होनी है। तो आप जरूर जुड़े, अपना नाम लिखवाए और गुरुदेव के हाथों से ही फॉर्म प्राप्त कर ले, यही एक आप सबको नम्र निवेदन।